रोहतांग पास को बाईपास करने के लिए मनाली लेह हाईवे पर टनल के निर्माण का स्वप्न माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट को उच्चतम प्राथमिकता देने से साकार हो पाया है। 5-6 महीना हमारा कट ऑफ रहता सर्दियों में। टनल का निर्माण दिवंगत प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कर कमलों द्वारा 2002 में अप्रोच रोड के शिलान्यास के साथ आरंभ हुआ था। कई बार मनाली आने का मौका मिला, रोहतांग की तक की यात्रा की, लेकिन बाद में बर्फ का पहाड़ आकर खड़ा हो गया, रास्ता बंद, आना जाना ठप। लेकिन बाद में मुझे लगा कि मनाली से लेकर कैसा रास्ता होना चाहिए जो 12 महीने उपलब्ध हो। 87 मीटर लंबे सेरी नाले के रूप में एक कठिन समस्या सामने आई। इसमें 8000 लीटर प्रति मिनट के बहाव से पानी ने टनल के कार्य में बाधा डाली। ये समस्या अपने आप में विश्व की एक अनूठी चुनौती साबित हुई, जिसको नवीनतम टेक्नोलॉजी और आधुनिक उपकरणों से दूर किया गया। समय पर कार्य पूरा करने के लिए 3000 श्रमिक तथा बीआरओ के 650 कर्मियों ने एकजुट होकर 3 शिफ्टों में कार्य किया। हिमाचल प्रदेश के लद्दाख और जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाली, मनाली को लेह से जोड़ने वाली रोहतांग टनल अब अटल टनल के नाम से जानी जाएगी। 9 किलोमीटर लंबी, 10.5 मीटर चौड़ी बाईलेन टनल में नवीनतम सेफ्टी एवं सिक्योरिटी उपकरण लगाए गए हैं। टनल में हर 250 मीटर पर सीसीटीवी कैमरा, 150 मीटर पर टेलीफोन, 60 मीटर पर फायर हाइड्रेंट, हर किलोमीटर पर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ऑटोमेटेड लाइटिंग, वेंटिलेशन और फायर फाइटिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये सभी उपकरण सेंट्रल कंट्रोल रूम से स्काडा द्वारा संचालित किए जाते हैं। टनल के नीचे विशेष रूप से किसी भी आपात स्थिति में यात्रियों को सही सलामत निकालने के लिए एग्रेस टनल का प्रावधान किया गया है। स्थानीय लोगों के लिए जहां ये नई जीवन रेखा आम जनता की यात्रा आसान करेगी, वहीं सशस्त्र बलों को भी इससे दूर दराज सीमावर्ती क्षेत्रों में पहुँचना सहज होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप ये टनल सामरिक मजबूती एवं हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इससे लोगों के चेहरों पर प्रसन्नता की मुस्कान सहज ही देखी जा सकती है। अटल टनल रोहतांग को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्र को आप सभी को शुभ के शुभोदय। पिछले क्लास में हम सड़क की रक्षा सबकी सुरक्षा, ये कहानी है, ये एक संकलित कहानी है, यानी कि मतलब मैं बोली हूँ पहले, संकलित मतलब ये किसी लेखक या लेखिका से लिखा हुआ नहीं है, किसी एक किताब से लिया हुआ एक भाग है, इसको हम संकलित बोलते हैं। इस पाठ का आशय क्या है, हम सड़क को कैसे स्वच्छ यानी कि क्लीन रखना चाहिए और सड़क को कैसे सुरक्षा करना चाहिए। सड़क को सड़क अच्छे रखे तो हम भी सुरक्षित रहते हैं, इसलिए हम छात्रों को इस बात को समझाने के लिए ये कहानी आपको दिए गए हैं। अच्छा बच्चों, पहले क्लास में हम देखे थे एक विभू जैसा एक नाम लड़का रहता है, वो क्या करता है, वो 9:30 बजे स्कूल को जा रहा था, वो साइकिल में स्कूल को जा रहा था। उस समय क्या हो जाता है, उसके साइकिल खराब हो जाता है। खराब होने से वो क्या करता है, साइकिल वहाँ पर रख के वो पैदल से वो क्योंकि वो स्कूल के लिए टाइम हो गए थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, दौड़ते दौड़ते यानी कि रनिंग करते करते स्कूल को जा रहा था। रनिंग करते करते जा रहा था, उस सड़क पर यानी कि उस रास्ते पर कोई यानी कि कोई व्यक्ति या कि कोई आदमी ने केले के छिलका वहां पर फेंक दिया था, यानी कि सड़क पर फेंक दिया था। वो विपु ने क्या कर दिया, वो दौड़ते दौड़ते जा रहा था, वो
उसके नजर सड़क पर नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, वो केले के छिलके के ऊपर अपने पैर रख दिया। पैर रखने से क्या हुआ, वो सड़क पर गिर पड़ा। गिरने से उसको चोट लगा, उसको यानी कि गाय आए तो चोट लगा और क्या हुआ, उसके कपड़े भी, वो कपड़े पहने थे ना, वो कपड़े भी गंदे हो गए। रास्ते में गिरे तो कपड़े गंदे हो जाते हैं ना, उसके कपड़े भी गंदे हो गए। बाद में उसको बहुत उदास हो गया, वो उसको बहुत दुख हो गया, इसलिए उदास से वो ऐसे गिरा था। रास्ते में उस समय में ही एक आवाज आते, कहीं से एक आवाज आते हैं, उठो बेटा उदास मत हो, कहीं से वो देखता है। विभू ने उठा के देखता है, वो उठकर देखता है कहाँ से आवाज है। वो आसपास देखते हैं, आगे पीछे देखते हैं, यानी कि आगे पीछे देखते हैं, आसपास देखते हैं, कोई भी दिखाई नहीं देता। कहीं दूर दूर तक नजर ऐसे रख के देखते हैं, कोई भी नहीं दिखाता। उसको वो चौंक देता है, यानी कि उसको घबरा हो जाता है। वो चौंक करने से कहाँ से आ रही है आवाज, मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रही है, ये आवाज कहाँ से आ रहा है, ऐसे उसको आश्चर्य हो जाता है, वो चौंक जाता है। बाद में और एक बार, बेटा मैं सड़क बोल रही हूँ, चोट तुम्हें ही नहीं मुझे भी लगी है, मुझे तो हमेशा चोट लगती रहती है। आदमी, तांगे, जानवर, मोटर गाड़ियाँ 2400 घंटे मेरे ऊपर चलते रहते हैं। लोग ढेर सारा कूड़ा कचरा डालते रहते हैं, वे बड़ी निर्ममता से मुझे काट भी देते हैं और महीनों महीनों मेरे घाव ही नहीं भरते। इसे सड़क विभू को बोलती है। विभू ने उठा के खड़े हो जाता है, रास्ते बताता है, देखो बेटा मुझे भी चोट लगी है, केवल तुम्हें चोट नहीं लगी है, मुझे भी चोट लगी है, मुझे हर दिन चोट लगते हैं, यानी कि लोग मुझे काटते हैं, लोग क्या करते हैं, मुझे काटते हैं, मेरे ऊपर गाड़ियाँ चलते हैं, हाँ बस चलते हैं, अनेक तांगा चलते हैं, व्हीकल्स चलते हैं, हाँ ये सभी मेरे ऊपर चलते हैं, मुझे हर रोज चोट लगता है, मुझे कोई भी साफ नहीं करते, मुझे काटते हैं लोग, ऐसे रोते रोते सड़क विभू को बोल रही हैं। बाद में विभू सोचने लगता है, वो सोचकर इधर 2-3 जगह देखते हैं, आर पार में रास्ता काटा रहता है, उसे देख कर विभू को भी दुख हो जाता है। बाद में वो सोचता है ये सार्वजनिक कार्य विभाग यानी कि पब्लिक डिपार्टमेंट वर्क का भी एक कार्य है, और म्यूनसिपालिटी भी इस रोड को यानी कि इस सड़क को सफाई करना चाहिए, देखरेख मतलब देखभाल करना चाहिए इस सड़क को सफाई, यानी कि म्यूनसिपालिटी ने, यानी कि सार्वजनिक म्यूनसिपालिटी, नगर पालिका का मतलब म्यूनसिपालिटी। म्यूनसिपालिटी का कर्तव्य क्या है, रोड की सफाई करना और रोड की देखरेख यानी कि देखभाल करना, ये म्यूनसिपालिटी का कर्तव्य है। केवल ये सरकारी कर्तव्य नहीं है, हमारा कर्तव्य भी है ना बच्चों, है ना, हमारा कर्तव्य भी है, यानी कि हम रोड को सुरक्षा करें तो, रक्षा करें तो हमारी हम सुरक्षित रहते हैं, नहीं तो रोड को काटे तो हम भी गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, इससे हमको नुकसान हो जाते हैं, हम अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है ना, ये सभी हो जाता है ना, एक एक बार लोग एक्सीडेंट से मर भी जा सकते हैं, इसलिए क्या करना चाहिए, हम रोड को सफाई करना चाहिए, सुरक्षा करना चाहिए, ये हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है, यानी कि महान कर्तव्य है। यही तक हुई थे ना पिछले क्लास में, बाद में आगे बाप को हम देखेंगे, पहले मैं पाठ वाचन करती हूँ, बाद में एक्सप्लेनेशन करती हूँ। विभू सड़क की व्यथा को अनुभव कर दुखी हो गया, उसको लगा कि सड़क कितना सहती है, फिर भी सबको जोड़ने की उदारता दिखाती है, कहीं कच्ची है, कहीं डांबर वाली है, तो कहीं
कंक्रीट की बनी हुई हैं। सड़क को कभी अपने रूप की चिंता नहीं बल्कि लोगों की सुविधा की चिंता है, मगर लोगों को सड़क की जरा सी भी परवाह नहीं है। देखो, विभु ने सड़क को सांत्वन देते हुए कहा, मातृमा, तुम्हारी खुशी के लिए हम क्या कर सकते हैं? कोई उपाय बताओ। सड़क वात्सल्य भाव से बोली, बेटा, मैं चाहती हूँ कि लोगों में सड़क की सुरक्षा का भाव हो, मेरी सूरत ना बिगाड़े, सफाई का ध्यान रखे तथा यातायात के नियमों का पालन करे। विभु को लगा कि लोगों के अत्याचार से सड़क को मुक्ति दिलानी चाहिए। सड़क की सुरक्षा, सफाई एवं देखभाल के प्रति लोगों में जागृति लानी चाहिए। सड़क के साथ अन्याय करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वे अपने नागरिक कर्तव्य के प्रति सचेत रहे। लोगों को यह सोचने के लिए मजबूर करना चाहिए कि सड़क की सुरक्षा में सरकारी विभागों के साथ उनका भी सहयोग रहे। इसके साथ साथ सड़क को तोड़ने, काटने तथा गंदा करने वालों को एहसास दिलाना चाहिए कि उनके कारण सड़क को कितना कष्ट होता है। विभु ने तय किया कि वह अपने साथियों से चर्चा करके अपने अध्यापक के मार्गदर्शन में इस दिशा में कुछ प्रयास अवश्य करेगा। इस प्रकार सोचते सोचते वह स्कूल की ओर चल पड़ा। भले ही चलने में उसे थोड़ी सी देर हो गई थी। अब हम देखेंगे पाठ का एक्सप्लेनेशन के बारे में। विभु सड़क की व्यथा को अनुभव कर दुखी हो गया। उसकी सड़क ये सभी बोल के मुझे लोग काट रहे हैं, मुझे हर रोज घाव कर रहा है, मुझे हर रोज चोट लगता है, ऐसे बोल के वो क्या कर रहे हैं, सड़क रो रही हैं। ये सभी सुन के विभु को सड़क की व्यथा यानी कि उसकी दुख को देखकर, उसकी स्थिति को देखकर, यानी कि सड़क की स्थिति यानी कि रोड की स्थिति को देखकर विभु को व्यथा यानी कि चिंता हो रही, दुख हो रही, व्यथा को अनुभव कर दुखी हो गया। उसकी व्यथा को, उसके दुख को, उसको परिस्थिति को, व्यथा का मतलब उसकी परिस्थिति को यानी कि सड़क की यानी कि रास्ता की परिस्थिति को देखकर विभु को दुखी हो गई यानी कि वो विभु बहुत दुखी हो गई। उसको लगा कि सड़क कितना सहती है यानी कि सड़क ये लोग ऐसे करते हैं, उसको दुख देते हैं, उसको कष्ट देते हैं, फिर भी वो कितना सहती है यानी कि सहनता मतलब सहिष्णुता भाव, सहती है मतलब क्या है, सहिष्णुता भाव यानी इष्ट सही से कोलता रास्ते माते इष्ट सही जन इष्ट कष्ट कोट्रु इष्ट दुख कोट्रु कूड़ा सड़क यानी कि रास्ते इष्ट सही से ತಾಯಿ ಅಂತ ವಿಭುಗೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇಖು ಸಡಕ್ ಕಿತ್ನಾ ಸಹತಿ ಹೇ ಫಿರ್ ಭಿ ಸಬ್ಕೋ ಜೋಡ್ನೆ ಕಿ ಉದಾರತಾ ದಿಕಾತಿ ಹೇ ಫಿರ್ ಭಿ ವೋ ಸಡಕ್ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತಿ ಹೇ ಸಭಿಕೋ ಜೋಡ್ನೆ ಕಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಭಿಕೋ ಜೋಡ್ನೆ ಕಿ ಓ ಉದಾರತಾ ದೇತಿ ಹೇ ಯಾನೆ ಕಿ ಉದಾರ ಗುಣವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ. ಉದಾರತಾ ದಿಕಾತಿ ಹೇ कहीं कच्ची हैं, कहीं डांबर वाली हैं, तो कहीं कंक्रीट की बनी हुई हैं। रोड तीन तरह बनती है, देखो कहीं कच्ची हैं यानी कि वो गुड्डे हैं, कच्ची हैं, तग्गू दिन्नी अंत हेळ्ती वाला कच्ची हैं यानी कि कच्चा रोड यानी कि
पूर्ण रोड, अपूर्व यानी कि अपूर्ण रोड, पूर्ण नहीं होते वो रोड का कारबार, कारबार पूर्ण नहीं होते, वो कच्चा रोड है, कच्चा रोड बोलते, कच्ची हैं, कहीं डांबर वाली हैं, कहीं डांबर वाली रोड है, और कहीं कांक्रीट यानी कि सीमेंट, छोटे छोटे पत्थर से बनते हैं ना, वो सीमेंट रोड है, कांक्रीट की बनी हुई है सड़क को। कभी अपने रूप की चिंता नहीं है, सड़क अपने रूप पर चिंता नहीं करती, सड़क की माता अपने रूप पर यानी कि मुख पर वो कभी भी चिंता नहीं करती। देखो अपने रूप की चिंता नहीं, बल्कि उसकी क्या चिंता है, देखो सड़क की क्या चिंता है, अपनी रूप की चिंता नहीं, अपने मुख की चिंता नहीं है सड़क को, बल्कि वो क्या सोचती है, देखो किसकी चिंता है उसको, बल्कि लोगों की सुविधा की चिंता है, यानी कि सुविधा मतलब आराम, लोगों की आराम के बारे में सोचती है, लोगों की है, मगर लोगों को सड़क की जरा सी भी परवाह नहीं है, मगर लोगों को उसके परवाह यानी कि लोगों को सड़क की कोई चिंता ही नहीं, वो सड़क के बारे में चिंता करते हैं क्या? हम लोग भी जाते हैं सड़क पर, व्हीकल में जाते हैं, कार में जाते हैं, बस में जाते हैं, टांगा में जाते हैं, हम सभी लोग जाते हैं, लेकिन हम सड़क के बारे में कोई चिंता करते हैं क्या? नहीं है ना, हम ऐसे चली जाते हैं, सड़क के बारे में चिंता करते हैं क्या हम? नहीं है ना। उसी तरह यहाँ पर विभु ने सोच रहा है, देखो लेकिन रोड चिंता करती है यानी कि लोगों की सुविधाओं के बारे में, यानी कि आराम के लोगों आराम से मेरे ऊपर जाओ ऐसे वो चिंता करती है, यानी कि मेरे ऊपर आराम से किसी को भी नुकसान ना हो, आराम से जाओ ऐसे वो चिंता करती है। लेकिन रोड, लेकिन हम चिंता करती है क्या सड़क के बारे में? हम चिंता करते हैं क्या? नहीं है ना, हम ऐसे ही चले जाते हैं, लेकिन रोड ऐसा नहीं करते, सड़क ऐसा नहीं करते, वो लोगों की सुविधा के बारे में, आराम के बारे में चिंता करती हैं, लेकिन लोग उसे जरा सा भी परवाह नहीं करते, परवाह का मतलब चिंता नहीं करते, लोग उसके सड़क की कोई भी चिंता नहीं करती हैं। लोग क्या करती है, परवाह मतलब चिंता, फिक्र, प्रेम, यानी कि रोड पर कोई भी, सड़क पर कोई भी प्रेम नहीं करते, कोई भी चिंता नहीं करते, फिक्र नहीं करते। देखो यहाँ पर है परवाह, चिंता, फिक्र, प्रेम, यानी कि हम लोग सड़क हम पर प्रेम करते हैं, हमको हम हमारी सुविधा के बारे में चिंता करते हैं, हमारे आराम के बारे में चिंता करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रेम से नहीं देखते, उसकी चिंता भी नहीं करते हैं, उसके फिक्र भी हम नहीं करते हैं। ऐसा हम नहीं करना चाहिए, हम भी रोड को प्रेम करना चाहिए, रोड की सफाई करना चाहिए, रोड को फिक्र करना चाहिए, है ना, रोड पर चिंता करना चाहिए। देखो विभु ने सड़क को सांत्वन देते हुए कहा, तब विभु ने क्या करता है, उसको समझाता है, सड़क को समझाता है। देखो सांत्वन मतलब समझाना, तसल्ली देना, सांत्वन मतलब तसल्ली, सांत्वन तसल्ली, आश्वासन, यानी कि उसको आश्वासन देता है वो, विभु ने सड़क को आश्वासन देता है यानी कि तसल्ली देता है, सांत्वन मतलब आश्वासन, तसल्ली। देखो विभु ने सड़क को सांत्वन देते हुए यानी कि उसको समझाते हुए, उसको आश्वासन देते हुए कहा, मत रो माँ, माँ तुम मत रो। वो विभु उस सड़क की सड़क को देखकर वो भी दुखी हुई है, इसलिए वो बोल रहा है, देखो माँ रो मत रो, माँ माँ तुम मत रो, तुम्हारी खुशी के लिए हम क्या कर सकते हैं, तुम्हारी खुशी के लिए हम लोग यानी कि जन लोग यानी कि आदमी लोग, हम जनता क्या करते हैं, देखो हम क्या कर सकते हैं, कोई उपाय बताओ, तुम्हें ही कोई उपाय बताओ, तुम्हारे लिए हम क्या कर सकते हैं, तुम ही उपाय बताओ। देखो वो बोल रहा है, पूछ रहा है, कोई उपाय बताओ। सड़क वात्सल्य भाव से, तब सड़क बोलती है, क्या बोलती है, देखो सड़क वात्सल्य भाव से यानी कि प्रेम भाव से, वात्सल्य मतलब क्या है, प्रेम, वात्सल्य भाव से बोली,
बेटा मैं चाहती हूँ कि लोगों में सड़क की सुरक्षा का भाव हो। बेटा मैं चाहती हूँ, मैं इच्छा करती हूँ, चाहती हूँ मतलब मैं इच्छा करती हूँ। देखो वो क्या बोलती है, बेटा मैं चाहती हूँ कि लोगों में सड़क की सुरक्षा का भाव हो। लोगों में क्या भाव होना चाहिए, सड़क की सुरक्षा की भाव होना चाहिए। लोगों में सड़क की सुरक्षा की भाव होना यानी कि सड़क को सुरक्षा करने की भाव होना चाहिए। सुरक्षा का भाव हो, मेरी सूरत ना बिगाड़े, उसको क्या भाव होना चाहिए, मेरी सूरत यानी कि सड़क की सूरत यानी कि मुख रूप, सूरत मतलब मुख, सूरत मुख रूप यानी कि मेरी मुख के यानी कि मेरी रूप के बिगाड़ा यानी कि मेरे रूप ना बिगाड़ा यानी कि मेरे रूप कुरूप ना हो जाओ, ऐसे उसको देखने मेरी देखभाल करेंगे करने के लिए भाव हो यानी कि लोगों के मन में मेरी रूप की ना बिगाड़ने की भाव हो और सुरक्षा करने की भाव होना चाहिए, ऐसे सड़क विभू से बोल रही। सफाई का ध्यान रखे और मेरी मुख की ध्यान रखना चाहिए और मेरी सुरक्षा की ध्यान रखना चाहिए और उसके साथ साथ क्या रखना चाहिए, सफाई का ध्यान यानी कि क्लीन रहने का भाव, सफाई का भाव यानी कि क्लीन रहने का भाव भी लोगों के मन में रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए, सड़क की सुरक्षा करना चाहिए, सड़क की रूप को ना बिगाड़ना चाहिए और सड़क को सफाई भी करना चाहिए, सभी भाव लोगों के मन में होना चाहिए, ऐसे सड़क ने विभू को बोल रही हैं। तथा यातायात के नियमों का पालन करें यानी कि यातायात मतलब ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के बारे में भी वो ट्रांसपोर्ट का नियमों का पालन करे यानी कि ट्रांसपोर्ट का रास्ते में जो बत्ती रहती है, लाल बत्ती, हरा बत्ती, पीला बत्ती, उसको देखकर चलना चाहिए यानी कि ट्रांसपोर्ट के बारे में भी वो लोगों ने ध्यान रखना चाहिए। विभू को लगा कि लोगों के अत्याचार से सड़क को मुक्ति दिलानी चाहिए। विभू के मन में क्या सोचा गया, देखो लोगों के अत्याचार मतलब स्वच्छ भारत के बारे में यानी कि लोगों के मन में दुराचार है, अत्याचार का भाव, अत्याचार मतलब दुराचार, दुराचार का लोगों के मन में क्या है, दुराचार है, अत्याचार है, वो अत्याचार से सड़क को मुक्ति दिलाने यानी कि लोग दुराचारी हैं, जो सड़क पर दुराचारी कर रहे हैं उसको बदलना चाहिए, उसको मुक्ति दिलानी चाहिए। सड़क की सुरक्षा, सफाई एवं देखभाल के प्रति लोगों में जागरूक लानी चाहिए। सड़क की सुरक्षा करना और एवं देखभाल यानी कि उसके देखरेख करना यानी कि सड़क की देखरेख करना, सड़क की सुरक्षा करना एवं सड़क की सफाई करना, ये सभी के बारे में लोगों में जागृति लानी चाहिए यानी कि लोगों में वो क्लीन करने का भाव, सुरक्षा करने का भाव, ये सभी लोगों के मन में जागृत होने के लिए, लोगों के मन में आने के लिए आने जागृत लानी चाहिए, उसके बारे में लोगों को जान सो यानी कि सड़क की सुरक्षा के बारे में, सफाई के बारे में लोगों के मन में आना चाहिए, भाव क्लीन करने रखने के लिए, सुरक्षा रखने के रखने का भाव लोगों के मन में आना चाहिए, वो जागृत करना, लोगों को जागृत करना चाहिए। सड़क के साथ अन्याय करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए यानी कि सड़क के साथ अन्याय करने वालों पर कार्रवाई होना चाहिए। सड़क के साथ कोई अन्याय करते हैं उसके साथ कार्रवाई होना चाहिए और
ताकि वे अपने नागरिक कर्तव्य के प्रति सचेत रहे। उसको बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, सफाई का, सड़क को सफाई करना चाहिए, सड़क को सुरक्षित रखना चाहिए ये सभी उसके लोगों के मन में आना चाहिए, ताकि वे अपने नागरिक कर्तव्य के प्रति सचेत रहे हैं। वो नागरिक कर्तव्य के बारे में वो सचेत रहते हैं, वो अपने कर्तव्य निभाते हैं, ऐसे विभू ने सोच रहे। देखो, लोगों को यह सोचने के लिए मजबूर करना चाहिए, लोगों को इस सड़क के बारे में, सड़क की चिंता के बारे में, सड़क के प्रेम के बारे में, सड़क को सफाई के बारे में, सड़क की सुरक्षा के बारे में लोग चिंता मजबूर है, यानी कि सोचने के लिए लोग उसके बारे में सोचना चाहिए, यानी कि सड़क की सफाई के बारे में, सड़क की सुरक्षा के बारे में, सड़क को काट करने के बारे में, ये सभी लोगों ने सोचना चाहिए, उन सोचने के लिए उनको मजबूर करना चाहिए, सभी को इसके बारे में सोचने के लिए सभी को बोलना चाहिए कि सड़क की सुरक्षा में सरकारी विभागों के साथ उनका भी सहयोग रहे। लेकिन केवल सरकारी कार्यालय नहीं करते, सरकारी विभागों में केवल सरकारी विभागों का कर्तव्य नहीं है सड़क की रक्षा करना, सफाई करना, ये केवल सरकारी विभागों का कार्य नहीं है, हम सभी का कार्य है, हम सभी करना है, हम सभी लोग क्या करना चाहिए, सड़क की सुरक्षा करना चाहिए, सड़क की सफाई करना चाहिए, सड़क की देखभाल करना चाहिए, ये सभी हमारा कर्तव्य है, हम सभी लोगों का कर्तव्य है, केवल सरकारी विभागों का कर्तव्य नहीं, ये सभी समझाना चाहिए, ये सभी आलोचन मन में रखना चाहिए। सरकारी विभागों के साथ साथ उनका भी सहयोग, यानी कि हमारा, हम लोगों का सहयोग भी देना चाहिए। इसके साथ साथ सड़क को तोड़ने, काटने तथा गंदा करने वालों को एहसास दिलाना चाहिए। एहसास मतलब अनुभूति, महसूस, अनुभूति महसूस। देखो, इसके साथ साथ सड़क को तोड़ने काटने, यानी कि कुछ लोग करते हैं ना, सड़क को तोड़ते हैं काटते हैं, यानी कि बड़े बड़े भवन बनाने के लिए काटते हैं ना, वो सभी देखो तोड़ने के लिए, काटने, सड़क को तोड़ने काटने, तस्टेज वस्तुओं को फेंकते हैं ना रोड पे, वो गंदा करने से, यानी कि केले के छिलके फेंके थे ना कुछ लोग, उसका उस तरह, और प्लास्टिक फेंकते हैं, पेपर फेंकते हैं, वेस्टेज वस्तुओं को फेंकते हैं, ऐसे गंदा करने वालों को एहसास दिलाना चाहिए, उनको महसूस देना चाहिए, एहसास यानी कि अनुभूति, महसूस, उसको अनुभूति देना चाहिए, ऐसा एहसास देना चाहिए, महसूस करना चाहिए कि उनके कारण सड़क को कितना कष्ट होता है, उनको समझाना चाहिए, वो सभी करने से, काटने से, यानी कि तोड़ने से, रोड को तोड़ने से, काटने से, गंदा करने से, उन सभी के कारण सड़क को कितना कष्ट होता है, सड़क को ये सभी करने से बहुत कष्ट होता है, इसके बारे में लोगों को समझाना चाहिए। विभू ने तय किया, बाद में ये सभी सोचकर विभू ने तय करता है, ये निश्चय, तय मतलब निश्चय करता है, क्या निश्चय करता है, विभू ने तय किया कि वह अपने साथियों से चर्चा करके, अपने अध्यापक के मार्गदर्शन में इस दिशा में कुछ प्रयास अवश्य करेगा। उन्होंने क्या कर दिया, तय कर दिया, यानी कि निश्चय कर दिया, क्या निश्चय कर दिया कि वह अपने साथियों से चर्चा करके, यानी कि अपने फ्रेंड्स, साथी मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ चर्चा करते हैं। विभू ने चर्चा करने के बाद वो क्या करते हैं, अपने अध्यापक के मार्गदर्शन, यानी कि उनके टीचर के मार्गदर्शन से, अध्यापक के मार्गदर्शन में इस दिशा में कुछ प्रयास अवश्य करेंगे, यानी कि रोड की सुरक्षता के बारे में कुछ प्रयास अवश्य करेंगे, कुछ उपाय, यानी कि कुछ उपायों को ढूंढेंगे, ऐसे विभू ने सोचा। इस प्रकार सोचते सोचते वह स्कूल की ओर चल पड़ा। इस तरह वो क्या करते, सोचते सोचते अपने फ्रेंड्स के साथ चर्चा करेंगे, बाद में अपने टीचर के साथ चर्चा करेंगे, चर्चा करने के बाद उसको रोड को कुछ सुलझावा करेंगे,
रोड को सुरक्षिता के बारे में हम कुछ भी ना कुछ प्रयत्न करेंगे, ऐसे सोच के विभू ने क्या कर दिया। सोचते सोचते वह स्कूल की ओर चल पड़ा, वो मन में सोचते सोचते स्कूल के ओर चल पड़ा। भले ही चलने में उसे थोड़ी सी देर होगी, उसे पैदल से चलने में उसे थोड़ी ऐसे सोचते सोचते चलने में पैदल से चलने में उसको थोड़ी देर, स्कूल को जाने के लिए थोड़ी देर हो गई थी। अच्छा बच्चों, पाठ समझ में आ गए ना? आप पाठ पढ़े तो, वीडियोस देखे तो आपको समझ में आ सकता है, इसलिए आप घर में पढ़ना चाहिए बच्चों। केवल ये सब्जेक्ट नहीं है, सभी सब्जेक्ट पढ़ना है, नोट्स कंप्लीट करना है, टेस्ट लिखना है, इंट्रैक्शन क्लास अटेंड होना चाहिए। 25-30 मेंबर्स अटेंड होता है, सभी लोग क्या करते हैं? आपको सभी को इंट्रैक्शन क्लास अटेंड करना है, टेस्ट लिखना है ना? आप प्रिपेयर होना है, घर में चुपके नहीं बैठना। आप चैट मत करो, मोबाइल में चैट करते, इंट्रैक्शन क्लास में भी चैट करते हैं आप, ऐसा मत करना चाहिए। आप इंटरेक्शन क्लास को अटेंड करना चाहिए, आप स्टडी करना चाहिए, सभी सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करना है चाहिए, टेस्ट लिखना चाहिए। बाद में स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए आपको अध्ययन करना जरूरी है। अच्छा बच्चों, समझ में आ गया? धन्यवाद। उठो देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। अब उठो देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। बनकर धारा बहना है हमको, दगल दगल बसती बसती गांव गली और हर एक नगर नगर, स्वच्छता की ज्योत जागी रे जागी रे जागी रे, स्वच्छता की ज्योत जागी रे जागी रे ज्योत जागी रे, जगमग जगमग सी ज्योत जागी रे, स्वच्छता की ज्योत जागी रे। दम दमक दम 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 केदार इंडिया, चम चमक चम 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 केदार इंडिया, जिद पे आ जाए देश मेरा, आहा देश मेरा, आहा देश मेरा, फिर देखना तुम कोना कोना जगमग जगमग होना ही है। अब ठान के मुट्ठी कसली की बारी है, हर दिशा दिशा का मुकुड़ा झट से धोना है, स्वच्छता की ज्योत जागी रे, स्वच्छता की ज्योत जागी रे जागी रे ज्योत जागी रे, ओ स्वच्छता की बरखा गए रे, स्वच्छता की ज्योत जागी रे जागी रे ज्योत जागी रे, जगमग जगमग सी ज्योत जागी रे, स्वच्छता की ज्योत जागी रे। दम दमक दम 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 केदार इंडिया, चम चमक चम 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 केदार इंडिया, दम दमक दम 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 केदार इंडिया, चम चमक चम 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 केदार इंडिया।